नाम मोहम्मद आरिफ है और मैं लकी FM 88 में गार्डनर हूँ। और ये सामने आप देख रहे हैं, ये बेर का पौधा है। ये पहले छोटी छोटी बेर उठाता था और बहुत पुराना बेर था और तुर्स था, यानी कि खट्टा था। हमने इसको 4 फुट ऊपर से काट के फिर इसकी जो शाखें निकली हैं इस पर हमने बडिंग किया है, कलम किया है और इसने अब बड़े बड़े बेर पकड़े हैं। और हम कलम जुलाई में करते हैं और हमारी कलम कामयाब हुई है। अगले साल हमने कलम किया, इस साल इसने फल पकड़ा है। आप देख सकते हैं इसके बेर बहुत बड़े बड़े हैं। ये तकरीबन 2 महीने से हम खा रहे हैं और इसका फल काफ़ी सारा अब ख़त्म हो चुका है। और सामने आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा, इसमें ऊपर बहुत काफ़ी बेर लगे हुए हैं। कलम हमने इधर लगाया है, ये नज़र आ रहा है, ये इधर से ये शाख निकली थी, इसको हमने 2 कलमें लगाई हैं, एक ये लगाई है और एक ये लगाई है। और वो सामने लगाई है, इसकी ये शाख बची है, ये देखो ये असल शाख है इसकी तुर्स वाली, और ये हमने बडिंग की है। अभी तक ये शाह पर खड़ा है। तो अब ये हमारा बेर तैयार हो चुका है और हम खा रहे हैं। अगर आपके घर में कोई बड़ा बेर तुर्स है तो आप इसे इस तरह काटें, फिर ये ऐसे शाख निकलेगी। ये देसी बेर की है, फिर हमने इधर बडिंग की है। बाकी ये देखें, ये जड़ों से नीचे निकले हुए हैं, फिर इनको हम काटते रहते हैं। ये असल उसका जड़ से निकली है, ये शाखें हैं और हमने कलम इधर लगाई है और ये कामयाब हुई है। पौधों का जो है बच्चों की तरह ख्याल रखें, टाइम पे पानी लगाएं, टाइम पे खुराक दें। जितनी इनके साथ मेहनत करेंगे, मोहब्बत करेंगे, तो ये आपको अच्छा फल देंगे।